हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवॉन। एडवॉन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। इसके पहले हमने क्या क्या देखा? प्राचीन छत्तीसगढ़ पूरा देखा है, फिर मध्यकालीन भी पढ़ लिया। और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में जब हमने देखा कि रतनपुर में शासन होता है कलचुरी वंश का, और कलचुरी वंश जैसे ही समाप्त होता है यहाँ पर मराठा शासन की शुरुआत हो जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग जितना भी देखेंगे वह मराठा शासन के बारे में देखेंगे। और शुरुआत करने से पहले मैं कलचुरी वंश के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि उस समय जब मराठा वंश की शुरुआत होती है या मराठा शासन की शुरुआत होती है तो उस समय कैसी गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलती है, या रतनपुर कहें हम कि रतनपुर के क्षेत्र में कौन सी गतिविधियाँ हो रही थी। थोड़ा सा मैप में चलते हैं हम। इस समय अगर हम देखें तो मराठाओं का शासन रायपुर से लेकर रतनपुर तक इस क्षेत्र में फैला हुआ था। और यहाँ पर जो राजा होते हैं उनका नाम होता है रघुनाथ सिंह। कलचुरी वंश का आखिरी राजा होता है जो प्रत्यक्ष शासन करता है। और जब रघुनाथ सिंह कमजोर पड़ जाता है, बहुत ही बूढ़ा हो जाता है, इस समय का फायदा उठाकर यहां पर भास्कर पंत का आक्रमण होता है। अब भास्कर पंत कौन है? यहां पर जो देख रहे हैं मराठाओं का शासन आपको नागपुर के क्षेत्र में देखने मिलेगा, और नागपुर में उस समय शासन होता है रघुजी का। दोनों ये नाम याद रखेंगे, एक रघुनाथ बोल रहा हूं और रघुजी दूसरे हैं, रघुजी भोसले या रघुजी प्रथम के नाम से इन्हें जानते हैं। रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम का शासन होता है नागपुर के क्षेत्र में। और नागपुर से रघुजी प्रथम जब उनको साम्राज्य विस्तार करना होता है मराठा शासन का, तो अपने एक सेनापति जिसका नाम होता है भास्कर पंत को वो भेजते हैं उड़ीसा और बंगाल के विजय अभियान में। और जब भास्कर पंत विजय अभियान से वापस आ रहा होता है तो रतनपुर के आस पास के क्षेत्र में कुछ समय के लिए यह अपना ठहराव करता है। और उसी समय उसे जानकारी मिलती है कि रतनपुर में जो रघुनाथ सिंह है वह बहुत ही कमजोर शासक है। और यह जानकारी कौन देता है? मोहन सिंह जो है मराठाओं से मिल जाता है, भास्कर पंत से मिलता है और बताता है कि आप अगर इस समय आक्रमण करेंगे तो यहाँ का जो शासक है रघुनाथ सिंह कलचुरी शासक यह आसानी से पराजित हो जाएगा। और भास्कर पंत अपनी पूरी सेना लेकर जोरों शोरों से यहां आक्रमण कर देता है और यहां पर रघुनाथ सिंह को पराजय झेलनी पड़ती है। और बहुत ही कमजोर होता है जैसे मैंने बताया, इस कारण से भी वह आसानी से पराजित हो जाता है। और इसके साथ ही मराठाओं का पहला शासन यहाँ शुरू हो जाएगा जिसे हम जानते हैं आप प्रत्यक्ष मराठा शासन। यहां पर देखेंगे 1741 में जब भास्कर पंत आक्रमण करता है तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन की यहां पे शुरुआत होगी, क्योंकि जो मराठा राजा है वह नागपुर में बैठकर छत्तीसगढ़ में शासन करता है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष मराठा शासन करते हैं, जिसमें रघुनाथ सिंह पहला राजा होता है। उसके बाद मोहन सिंह 1758 तक यहाँ शासन करता है, और उसके बाद यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन मराठाओं का देखने मिलेगा। ये पूरा मैंने क्रोनोलॉजी यहाँ पर वंशावली जो है इनके कौन कौन से राजा आएंगे, यहाँ पर सूबेदारी व्यवस्था से लेकर अधीक्षक तक पूरी चीज़ों को एक साथ लिख दिया है। इसे आपको समझना जरूरी है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो मराठाओं का आधिपत्य या इन्होंने अपने साम्राज्य कैसे छत्तीसगढ़ में बनाया उसे आप समझ जाएंगे। तो मैं कहाँ पर था? अप्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में मैंने बताया कि रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह ये दो लोग अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत राजपाट संभालते हैं। और रायपुर में भी उस समय अमर सिंह नाम के एक राजा होते हैं जिन्हें मराठाओं के द्वारा पराजित करके उसे भी अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। और अब शुरुआत होगी 1758 से प्रत्यक्ष मराठा शासन की, जिसमें पहला राजा होगा यहाँ पर भिंबाजी भोसले, जो रतनपुर को अपनी राजधानी बनाएगा। और अप्पा साहेब तक, भिंबाजी भोसले से लेकर अप्पा साहेब तक
हम देखते हैं कि यहाँ पर राजा आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक डिवीजन देख लीजिए आप, अप्पा साहेब तक। इसके बाद व्योंको जी के समय में, व्योंको जी के काल में यहाँ पर सूबेदारी व्यवस्था या सूबा शासन व्यवस्था की भी शुरुआत होती है, जिसमें महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार बनता है और आखिरी जो बनता है उसका नाम होता है यादव राव दिवाकर। जैसे ही 1818 का समय होता है, उस समय पर सहायक संधि के पश्चात यहाँ पर ब्रिटिश के अधीन 12 वर्षों के लिए मराठा शासन चला जाता है या छत्तीसगढ़ का शासन चला जाता है। और फिर से पुनः जब 1830 ये क्रोनोलॉजी समझते जाएंगे क्योंकि इसी के अनुसार ही आपको याद होगा, तो 1830 के पश्चात यहाँ पर मराठाओं को फिर से सत्ता प्रदान कर दी जाती है और उस समय राजा होते हैं रघुजी तृतीय। तो ये पूरी चीजें आप ध्यान रखेंगे, इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप समझेंगे भी कि हम क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मराठा शासन के पहले राजा के साथ, जिसका नाम होता है बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले इन्हें कहा जाएगा प्रत्यक्ष मराठा शासन का पहला राजा या पहला जिसने साम्राज्य यहाँ पर संभाला। और राजधानी किसे बनाई? रतनपुर को। रतनपुर को ये भी आप ध्यान देंगे क्योंकि भास्कर पंत ने आक्रमण रतनपुर पर किया था, उससे आप जोड़कर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि राजधानी इसने यहाँ पर बनाई, रतनपुर को राजधानी बनाई। दूसरी चीज, बिंबाजी भोसले के समय में एक इसने एक पद्धति के शुरुआत की थी, वह थी परगना पद्धति। परगना पद्धति के ये सूत्रधार भी थे। और अगर बोला जाए परगना पद्धति को किसने लागू किया या इसके जन्मदाता, ये अलग अलग प्रश्न आते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सूबेदार विट्ठल राव दिनकर, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे क्योंकि इन पे प्रश्न बनते हैं। बिंबाजी भोसले ने अपने समय में जो महत्वपूर्ण कार्य किए उसमें था न्यायालय की स्थापना करना, जिससे आम जन है, जो लोग हैं, उनको बार बार न्याय व्यवस्था के लिए राजा के पास न जाना पड़े, इसलिए उन्होंने एक न्यायालय की व्यवस्था की ताकि उनका जो भी दिक्कतें हों उसे सुलझाया जा सके। दूसरा, इन्होंने जो जमींदारियां हैं, जमींदारियां, उसमें दो नए जमींदारियां का शुरुआत किया था, वह था राजनांदगांव और खुज्जी, राजनांदगांव और खुज्जी। तीसरी जो चीज थी वह थी कि दशहरा के समय में स्वर्ण पत्र देने का जो कार्य है वह इनके ही काल में शुरू किया गया, स्वर्ण पत्र देने की प्रथा। इनकी तीन पत्नियां होती हैं, जिसमें एक का नाम होता है उमाबाई, दूसरी का रमाबाई और तीसरा का आनंदीबाई, जिसमें उमाबाई जो है जब 1787 में यहां पर जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ ये सती प्रथा के अनुसार यह उनके साथ अपना देह त्याग देती है। तो उमाबाई का नाम याद रखेंगे, जिन्होंने बिंबाजी भोसले के साथ अपना देह त्यागा था या सती हुई थी। और इन्हीं के नाम पर रतनपुर में हमें देखने मिलता है सती चौरा। कहां देखने मिलेगा? रतनपुर में उमाबाई के नाम पर। दूसरी चीज, इनकी जो दूसरी पत्नी है उसका नाम होता है आनंदीबाई। क्योंकि जब सत्ता की बात आती है तो कुछ समय के लिए इन्हें भी सत्ता संभालने मिलता है, और जब सत्ता संभालने मिलता है तो जब सूबेदारी व्यवस्था यहाँ शुरू होगी तो एक सूबेदार होता है महिपत राव दिनकर, जो पहला सूबेदार बनता है, उनके साथ इनका संघर्ष भी चलता है। तो आपके लिए एग्जाम में प्रश्न भी बनता है कि आनंदीबाई का किसके साथ, किस सूबेदार के साथ इनका संघर्ष हमें देखने मिलता है, तो वह कौन है? महिपत राव दिनकर। बिंबाजी भोसले का कोई भी पुत्र नहीं होता, इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं होता। और इसने अपने कार्यकाल में जो कुछ प्रमुख कार्य किए उसमें था राम टेकरी, जो बिलासपुर में आप देखते हैं रतनपुर के क्षेत्र में, राम टेकरी का जो मंदिर का निर्माण उनके शासनकाल में हुआ था। और दूसरा जो है रायपुर में जो दूधाधारी मठ है उसका भी निर्माण इनके शासनकाल में हुआ था, जिसे बालभद्रदास ने करवाया था। जैसे मैंने बताया
कि बिंबाजी भोसले का कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, तो इसने अपने भाई के बेटे को गोद लिया था जिसका नाम होता है चिमनाजी। और चिमनाजी का कार्यकाल सबसे छोटा होता है, इसके बारे में ज्यादा उल्लेख भी नहीं मिलता क्योंकि बहुत ही अल्प आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अल्प आयु में मृत्यु होने के पश्चात जो अगला शासक आएगा वह होगा व्योंकोजी के आते ही यहाँ पर पहले देख लेते हैं इनका कार्यकाल। व्योंकोजी का जो शासन हमें देखने मिलता है 1788 से लेकर 1811 तक। व्योंकोजी जो है अपना शासन दूसरे तरीके से चलाने की व्यवस्था की शुरुआत करता है। वह कौन सी व्यवस्था है? सूबेदारी व्यवस्था। तो सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत कौन करता है, सूबा शासन की शुरुआत कौन करता है? व्योंकोजी। और इसमें होता क्या था? इसमें होता यह था कि राजा जो है जिस क्षेत्र में उसे राज करना होता था वहां राज न करके वह दूसरे क्षेत्र में रहा करता था। जैसे कि मैंने बताया रतनपुर को राजधानी बनाई थी बिंबाजी भोसले ने, परंतु होता क्या है कि रतनपुर का क्षेत्र छोड़कर यह व्योंकोजी जो है नागपुर में जाके बैठ जाता है और नागपुर से शासन करता है। कहां? रतनपुर का या छत्तीसगढ़ का शासन संभालता है। ये चीज क्लियर हुई? तो यह बात किसमें हुई? सूबा शासन में इस प्रकार से यह राज करता था, या दूसरे तरीके से बोला जाए अप्रत्यक्ष शासन भी इसने किया था जिसमें हम सूबेदारी व्यवस्था देखते हैं। और पहला जो सूबेदार बनता है उसका नाम फिर से मैं बार बार याद करवाऊंगा आपको, महीपत राव दिनकर पहला सूबेदार बनता है। इनके कार्यकाल में दो अंग्रेजों का आगमन हुआ था, उसको याद रखेंगे। एक तो है फॉरेस्टर 1790 में, फिर 1795 में ब्लंट आता है, मिस्टर ब्लंट, जिसने रतनपुर की उस समय यात्रा की थी। अंग्रेजों के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते जाएंगे क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं कहां, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए अब अंग्रेजों का आगमन, प्रवेश, अधीक्षक, ये सब चीजें आपको देखने मिलेंगी। व्योंकोजी का जैसे ही शासन समाप्त होता है 1811 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद परसोजी आते हैं, परसोजी जो बहुत ही अल्प समय के लिए बनते हैं क्योंकि परसोजी का जो शासन है बहुत ही कमजोर होता है, इसकी शासन पे पकड़ नहीं होती, सत्ता पे पकड़ उतनी नहीं होती। इसकी सहायता के लिए अप्पा साहेब इनके संरक्षक के रूप में रहते हैं, परंतु ये अप्पा साहेब यहाँ पर बहुत ही लालची होता है, उसे सत्ता का बहुत ही ज्यादा लालच होता है, जिस कारण से जब उसे सत्ता पानी होती है तो वह अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। और उस समय नागपुर में होते हैं जेन सिंह जो है उनके साथ यह सहायक संधि कर लेता है। कौन? अप्पा साहेब भोसले जो है यहां पर अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेता है। कब करता है? 1816 में। और ये सहायक संधि होती क्या थी इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आधुनिक भारत में तो पढ़ते ही हैं, यहां भी एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। जब अगर हम सहायक संधि की बात करते हैं तो सहायक संधि में होता यह था कि अंग्रेज जो है राजा को कहता था कि आपका जो क्षेत्र है, जो किला है, उसकी रक्षा हम करेंगे, आपको बस राज व्यवस्था संभालना है। दूसरा काम क्या कि एक अंग्रेज रेजिडेंट या अधीक्षक आपके यहां हमेशा आपके साथ बैठा रहेगा राजा के घर में। तीसरी चीज कि जो सेना उसने लगाई है शत्रुओं से बचाने के लिए, किले को बचाने के लिए जो सेना उसने लगाई है, उस सेना को जो पैसा दिया जाएगा वह राजा के कोष से दिया जाएगा। तो ये बातें किस्म की हुई? सहायक संधि की। एक और बात कि यहां पर जो कोई भी अगर प्रवेश करता है, बाहर का यूरोपीय आदमी भी या अंग्रेज कोई आता है, तो वह भी कंपनी या जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय आ चुकी होती है उससे उसे परमिशन लेना होता था। यह सब क्या है? सहायक संधि की शर्तें हैं। और सहायक संधि की अगर शुरुआत आप पूछे जाए तो किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। और
इसका जन्मदाता अगर बोला जाए तो जन्मदाता दूसरा है, डुप्ले। डुप्ले इस चीज को याद रखेंगे, ये आधुनिक भारत में हम इसकी ज्यादा चर्चा करते हैं। तो ये सहायक संधि होती है, बात कब की चल रही, सहायक संधि हुई 1816 में। 1816 में जब यह सहायक संधि कर लेता है तो कुछ समय पश्चात इसे ज्ञात होता है कि यह बहुत ही गुलाम तरह का जीवन जी रहा है। किसे ज्ञात होता है? अप्पा साहेब को। और अप्पा साहेब भोसले उस समय जब मराठा और अंग्रेजों का तृतीय युद्ध होता है, मराठा आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध होता है उस समय, इस समय का फायदा उठाकर यह भी लड़ाई में कूद पड़ता है और एक लड़ाई लड़ता है 1817 में, वह होता है सीताबर्डी का लड़ाई, सीताबर्डी की लड़ाई यह लड़ता है। तो अंग्रेजों और अप्पा साहेब के बीच में सीताबर्डी की लड़ाई होती है, और ये सीताबर्डी कहाँ है? नागपुर। नागपुर। तो जैसे मैंने बताया कि अभी हमने क्या क्या देख लिया, बिंबाजी भोसले, चिन्नाजी भोसले, व्यंको जी और परसो जी और अप्पा साहेब, ये क्या था, मराठाओं का प्रत्यक्ष शासन हमने देख लिया। इसके पश्चात हम देखेंगे कि अब जो है ये शासन कहां तक चल गया, 1818 तक है ना, 1758 से 1818 तक। अब जो है शुरुआत होगी सूबा शासन की। सूबा शासन मैंने बताया कहां से शुरू हो जाएगा, व्यंकोजी भोसले के समय से। व्यंकोजी भोसले के समय से 1787 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो सूबा शासन व्यवस्था कौन कौन, किनका किनका प्रमुख कार्य था उसे देख लेते हैं, आपका जो प्रश्न बनेगा उसे देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहला अगर बोला जाए तो कौन, महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर। और आखिरी बोला जाएगा तो कौन, यादव राव दिवाकर, यादव राव दिवाकर। और इनका भी शासन जैसे मैंने बताया समानांतर रूप में, जो प्रत्यक्ष शासन है उसके समानांतर रूप में यह चलते रहेगा सूबा शासन। तो देखते हैं पहली बात इसमें क्या होगी। सूबा शासन में भी राजधानी की कौन सी रहेगी, रतनपुर। रतनपुर इस समय राजधानी होती है, और सूत्रधार जैसे मैंने बताया था इसका कौन होता है, व्यंकोजी भोसले। और चलता कब से कब तक है, 1787 से लेकर 1818 तक। पहला कौन, महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर का समय काल क्या, 1788 से लेकर 1790। और 90 में कौन अंग्रेज आया था, ये चीज भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, 90 में कौन अंग्रेज आया था, फॉरेस्टर। वहां पर मैंने बताया था बिंबाजी भोसले के बाद व्यंकोजी भोसले, जब हमने पढ़ा तो व्यंकोजी के काल में आता है। और अगर पूछा जाए किस सूबेदार के काल में आए, तो महिपत राव दिनकर के काल में आया था, फॉरेस्टर। तीसरी चीज, इनका ही संघर्ष होता है बिंबाजी भोसले की जो पत्नी है आनंदी बाई के साथ। ये तीन प्रश्न इनसे बन सकते हैं। अगला जो शासक आता है उसका नाम है विठल राव दिनकर। विठल राव दिनकर, जैसे मैंने बिंबाजी भोसले के समय में बताया था कि परगना पद्धति की या परगना पद्धति का सूत्रधार कौन था, बिंबाजी भोसले। और इसका अगर जन्मदाता बोला जाता है या लागू किसने किया, तो विठल राव दिनकर था। इसने छत्तीसगढ़ के जो 36 परगने थे या 36 जो गढ़ थे उसे 27 परगनों में विभाजित किया था, 27 परगनों में विभाजित किया था। और अगर इसके काल में कौन सा अंग्रेज आया ये पूछा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए मिस्टर जेटी ब्लंट। मिस्टर जेटी ब्लंट इसके कार्यकाल में आया था। अगला जो शासक होता है या जो सूबेदार होता है उसका नाम होता है भवानी कालू। भवानी कालू सबसे अल्प समय के लिए होता है, इसके अलावा इससे कोई अगला क्वेश्चन नहीं बनता। भवानी कालू के बाद जो राजा आता है उसका नाम होता है केशव गोविंद। केशव गोविंद जो 1797 से लेकर 1808 तक, यहां पर देख लीजिए उसका कार्यकाल, 1797 से लेकर 1808 तक सबसे सर्वाधिक समय तक सूबेदार बनने वाला यही था। कौन, केशव गोविंद। केशव गोविंद। और इसके काल में जो यूरोपीय यात्री आया था उसका नाम था कोलब्रुक। कोलब्रुक। इस और जब यह सूबेदार बनता है या व्यंकोजी भोसले का भी जब शासन चलता रहता है उस समय पिंडारियों का भी आक्रमण शुरू होता है। पिंडारियों का आक्रमण भी हमें यहाँ देखने मिलता है मराठाओं के समय में, और आगे चलकर अंग्रेजों के समय में भी ये पिंडारी जो है आक्रमण करते रहते थे। इसलिए यहाँ पर देखेंगे हम कि पिंडारियों के आक्रमण से भी इसने उस समय मराठाओं के जो साम्राज्य है
उसकी रक्षा की थी। अगला जो आता है उसका नाम है बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल का समय अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो काल है बहुत ही संघर्ष पूर्वक रहता है, संघर्ष पूर्ण रहता है। 1809 से लेकर यह शासन करता है 1817 तक, और यहां पर 1811 में किसकी मृत्यु हो जाएगी, व्योंकोजी भोसले की मृत्यु हो जाती है। दूसरा अप्पा साहेब जो बहुत ही एक लालची किस्म का आदमी होता है उसका शासन शुरू हो जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा सूबेदार लोग को या जो सूबा शासन के अंतर्गत जो कार्य करते थे सूबेदार उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, क्योंकि देखेंगे आप कि बहुत सारे सूबेदार अलग अलग बनते जाते हैं, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था अप्पा साहेब का वह होता था पैसा, उसे पैसा ही चाहिए होता था। इसी कारण से जो सूबेदार ज्यादा पैसा देता था उसे सूबेदार बना देता था, ये अप्पा साहेब का रूल था। तो उसी समय इसके कार्यकाल में ही बीकाजी गोपाल के समय में ही सहायक संधि कर लेता है, कौन, अप्पा साहेब। अप्पा साहेब यहां पर सहायक संधि भी कर लेता है, जिस कारण से बीकाजी गोपाल का जो कार्यकाल है बहुत ही संघर्ष पूर्ण रहता है। अगर इसके शासन काल को थोड़ा सा और देखें तो सरगुजा जो रियासत है उस जमींदारी में भी इसके कार्यकाल में हस्तक्षेप किया जाता है, सरगुजा रियासत में। और बाकी चीजें तो मैंने बता दी कि सहायक संधि हुआ, व्यंको जी की मृत्यु हो जाती है, और अप्पा साहेब जो है अंग्रेजों से मिल जाता है। ये सब बीकाजी गोपाल जब सूबेदार बनता है तो इनके कार्यकाल की मुख्य बातें हैं। अगला जो शासन आता है या जो सूबेदार बनता है वह है सीखाराम, सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। ये दोनों सूबेदार बनते हैं और ज्यादा समय के लिए नहीं बनते, 1817 में बनते हैं और फिर हटा दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया अप्पा साहेब का तो रूल सही नहीं था, जो इनका शासन था उतना अच्छा नहीं था। अगला जो आखिरी सूबेदार बनता है वह है यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर 1817 से लेकर 1818 तक शासन करता है या सूबेदारी व्यवस्था संभालता है, और 1818 के बाद अब सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेज जो है अपने रेजिडेंट और अधीक्षक को बैठा देंगे, और इसके साथ ही या इसके काल में ही सूबेदारी व्यवस्था जो है वह क्या हो जाएगा, उसका पूरी तरीके से अंत हो जाएगा। अंतिम सूबेदार जिसके काल में यह सूबा पद्धति समाप्त हो जाती है, और उस समय अंग्रेज रेजिडेंट कौन होता है, तो जैनकिंस, जैनकिंस जो है उस समय रेजिडेंट होता है, जो नागपुर में नागपुर से बैठकर यहां संभाला करता था सब चीजों को। अब जैसे मैंने बताया, हमने कहां तक देख लिया है चीजें, थोड़ा सा मैं आपको क्रोनोलॉजी दिखा देता हूं। अभी तक हमने देख लिया सूबा शासन के बारे में भी, जिसमें आखिरी था यादव राव दिवाकर, इनके समकालीन देख लीजिए यहां पर अप्पा साहेब के साथ यादव राव दिवाकर, ये दोनों समकालीन होते हैं, और यहां पर सूबा शासन की समाप्ति हो जाती है 1818 में। अब क्या है, अंग्रेज जो है प्रत्यक्ष शासन करते हैं परंतु अल्प समय के लिए। और पहला जो यहां पर बनता है अधीक्षक उसका नाम होता है कैप्टन एडमंड। तो शुरुआत करेंगे हम जब कि ब्रिटिश अधीक्षक कौन आएगा पहला, तो कैप्टन एडमंड, और आखिरी ब्रिटिश अधीक्षक पूछा जाए तो कैप्टन क्राफर्ड। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम अधीक्षक के बारे में देख लेते हैं। मराठाओं के अधीन या जो मराठा ब्रिटिश के अधीन होते हैं वह होते हैं 1818 से लेकर 1830 तक, करीबन 12 वर्षों के काल के लिए, जिसमें पहला मैंने बताया था कि पहला जो ब्रिटिश अधीक्षक बनता है उसका नाम क्या होता है, कैप्टन एडमंड, और यह भी जो राजधानी बनाता है रतनपुर को बनाता है। इसके काल में डोंगरगढ़ में जमींदारी के लिए विद्रोह हो जाता है, डोंगरगढ़ जमींदारी का विद्रोह हमें देखने मिलता है, जिसे कैप्टन एडमंड के द्वारा दबा दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। कैप्टन एडमंड के बाद जो आते हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न बनेगा, इन्हीं के बारे में बनता है, वो है एगेन्यू,
जिनका शासन हमें देखने मिलता है 1818 से लेकर 1825 तक। एगेन्यू जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, वह राजधानी रतनपुर से ले जाता है कहां, रायपुर में। रायपुर क्योंकि रायपुर उस समय का क्या है, सबसे समृद्ध केंद्र होता है और आसपास के राज्यों में आने जाने के लिए उसे आसानी होती थी। इस कारण से वह राजधानी को रतनपुर से रायपुर ले जाता है। जैसा कि पहले मैंने बताया था, परगना पद्धति की शुरुआत हो गई थी और कितने परगने थे उस समय, 27 परगने बनाए गए थे। तो एगेन्यू के समय में उन 27 परगनों को परिवर्तित करके 8 परगनों में सीमित कर दिया जाता है, 8 परगनों। और कुछ समय पश्चात एक परगना और जुड़ता है, जिसके पश्चात हम देखते हैं कि 9 परगने हो जाते हैं। और इन 9 परगनों में कौन कौन थे, तो यहां पर देखिए, रतनपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, धमदा, नवागढ़, खरौद, राजहरा, बालो। जो इसमें सबसे बड़ा जो है रायपुर होता है, सबसे बड़ा परगना क्या होता है, रायपुर होता है, और सबसे छोटा राजहरा, सबसे छोटा परगना राजहरा। इसने व्यवस्था सुधार के लिए भी कार्य किया था, वह था बरार पांडे, पोद्दार, अमीन, इस तरह की भी नियुक्तियां इसने अपने काल में की थी। एगेन्यू के बाद जो हम देखते हैं, कैप्टन हंटर, कैप्टन हंटर इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं है। अगला, हंटर के बाद आता है सैंडिस। सैंडिस, सैंडिस का शासन होता है 1825 से लेकर 1828 तक। और इसके काल में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है ताहूतदारी प्रथा। ताहूतदारी या तालुकादारी भी बोलते हैं इसे। ताहूतदारी प्रथा में क्या होता था, इस प्रथा के अनुसार किसी भी क्षेत्र को, जैसे आज के टाइम में लीज वर्ड आपने सुना होगा कि किसी जगह को आप लीज में ले लेते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते रहते हैं, कर पटाते हैं, वैसे ही या किसी भी जमींदार को कुछ समय के लिए एक क्षेत्र जो है, क्षेत्र विशेष जो है, दे दिया जाता था, एक वर्ष के लिए, दो वर्ष के लिए, और उससे कर लिया जाता था, टैक्स वसूला जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो जब टैक्स वसूला जाता था और एक वर्ष दो वर्ष जैसी अगर समाप्त होता है तो उसका क्या होता है, रिन्यू करवाया जाता है। आप भी जानते हैं लीज को क्या करवाते हैं, रिन्यू करवाते हैं। वैसे ही इस व्यवस्था में भी किया जाता था कि जैसे ही वो कार्यकाल या उनका जो ताहूतदारी प्रथा के अंतर्गत दिया जाता था जो जमीन या जो क्षेत्र है उसे फिर से रिन्यू किया जाता था। तो यह थी ताहूतदारी प्रथा, जिसके अंतर्गत दो तालुका का निर्माण किया गया था उस समय, वह थी लोरमी और तरुंगा। लोरमी और तरिंगा, ये दो ताहूतदारियों का निर्माण किसके काल में हुआ था, कैप्टन सैंडिस के टाइम में। इसके कार्यकाल में एक और नई चीज हुई थी, डाक तार की व्यवस्था, डाक तार की व्यवस्था शुरू की गई थी। और अंग्रेजी का चलन न्यूज़पेपर में या गवर्नमेंट के जो सरकारी कार्यकाल है, कामकाज है, उसमें अंग्रेजी की शुरुआत कर दी गई थी और एक अंग्रेजी कैलेंडर की भी शुरुआत इसके समय में हो गई थी, अंग्रेजी की शुरुआत कर दी गई थी। अब यहां पर जो है, यहां पर एक राजा होता है भोसला वंश का या नागपुर का, जो मराठा शासक होता है वह होता है रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय क्या होता है, उस समय अल्पवयस्क होता है, परंतु 1828 के समय वह वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिस समय अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के बीच में एक समझौता होता है कि अब शासन फिर से मराठाओं को दिया जाए। यह किसके किसके बीच में होता है, अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के बीच में। सैंडिस के बाद जो कैप्टन आता है या अधीक्षक आता है उसका नाम होता है कैप्टन विल्किंसन, और विल्किंसन के बाद जो आखिरी अधीक्षक होगा वह है काफर्ड। काफर्ड, काफर्ड 28 से 30 तक आता है, और इस समय जो हस्तांतरण है किसका, जो ट्रांसफर किया जाएगा, किसे ट्रांसफर किया जाएगा, अभी तक हमने क्या देखा, ब्रिटिश अधीक्षक के अधीन जो छत्तीसगढ़ का शासन चल रहा है, अब फिर से मराठाओं को शासन इसके काल में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
6 जून 1830 को। और पुनः घोसला शासन हमें देखने मिलेगा 1830 से लेकर 1854 तक। और इसमें शासन कौन करेगा? रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय के समय में बहुत सारे विद्रोह होते हैं, बस्तर के क्षेत्र में भी और कुछ जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, बस्तर और रतनपुर के क्षेत्र में, जिसमें प्रमुख जो था धमदा का गोड़ जमींदार विद्रोह, दूसरा था तारापुर का विद्रोह, मेरिया विद्रोह, यह सब बस्तर के विद्रोह हैं। ये दोनों बस्तर में हुए थे, धमदा और बरगढ़। बरगढ़ कहाँ पड़ेगा? रायगढ़ में। यह बरगढ़ कहाँ पड़ेगा? रायगढ़ में। रायगढ़ रियासत में यह बरगढ़ का विद्रोह हुआ था 1833 से लेकर 1845 तक, जिसमें अजीत सिंह और उनके पुत्र बलराम सिंह, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोह के बारे में एक क्लास और रहेगी जिसमें पूरे विद्रोह की चर्चा हम एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर बरगढ़ का विद्रोह होता है और सबसे प्रमुख कार्य जो होता है इसके काल में वह होता है सती प्रथा पर प्रतिबंध। 1831 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके पश्चात जब रघुजी तृतीय का कार्यकाल चल रहा होता है, इसके काल में एक जिलेदारी व्यवस्था भी शुरू होती है। जिलेदार जिसमें पुनः जब मराठा शासन आता है तो जिलेदार बनता है कृष्णराव अप्पा और आखिरी जो है गोपाल राव अप्पा। ये चीज को आप याद रखें क्योंकि इसमें और कोई प्रश्न नहीं बनता, पहला जिलेदार पूछा जाएगा और आखिरी जिलेदार। तो पहला कौन? कृष्णराव अप्पा और आखिरी कौन? गोपाल राव अप्पा। ये किसके शासन काल में शुरू होता है? रघुजी तृतीय के काल। और रघुजी तृतीय के काल में जब यह शासन चलता है तो हम लोग कहां से कहां तक है उसका शासन? 1830 से लेकर 1854 तक। और 1854 और 53-54 के समय में यहां पर हम देखते हैं कि 1854 के समय में जब रघुजी तृतीय बहुत ही वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उस समय अंग्रेज का एक वायसराय या गवर्नर होता है, उसका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहां पर हड़प नीति के तहत सत्ता को फिर से मराठाओं से ले लेता है, क्योंकि रघुजी तृतीय का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता और यह अगर किसी को गोद लेना चाहेगा तो अंग्रेजों के द्वारा इसे मना कर दिया जाता है कि आप गोद नहीं ले सकेंगे। और यह कौन सी नीति के तहत? हड़प नीति के तहत, अंग्रेजों के जो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी उसके तहत यह जो भोसला वंश है या मराठाओं का शासन है या छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वह अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, पूरा जो हम मराठा का जो शासन है शुरू से आखिरी तक, प्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष शासन से लेकर प्रत्यक्ष शासन, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई इसके बारे में चर्चा कर ली है। आगे हम और जैसे से बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1854 में कैसे अंग्रेजों का राजपाट या अंग्रेज जो अपनी सत्ता संभालते हैं, यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार कैसा होता है, कौन कौन से नियम कायदे कानून आते हैं, इनके बारे में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।